भी नहीं है पर ना उसी से मदद मांग लेती अब इतना सारा बिल अकेले मैं कैसे मैनेज करूंगी पंखा ना चलाओ तो इतनी गर्मी और चलाओ तो इतना इतना बिल क्या करूं सैंडी कुछ सोच हेलो रिमशा कहाँ हो तुम अच्छा और शूट कैसा चल रहा है तुम्हारा अच्छा अब वो मैंने तुमसे कहना था कि मुझे ना तुम्हारी मदद चाहिए थी चलो ठीक है फिर मैं तुमसे मिलने आ जाती हूँ हाँ ओके थैंक यू सो मच बाय हेलो यार गुड टू सी यू ओह हाय कैसी हो मैं बिल्कुल ठीक तुम कैसी हो मैं ठीक ठाक मेरी याद कैसे आ गई वो ना मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था काम तुम्हें हमेशा मुश्किल वक्त में ही मेरी याद आती है ऐसी बात नहीं है अब तुम मुझे गलत समझ रही हो वो अब खैर चलो बताओ क्या बात है अब यही हाँ यहाँ क्या मसला है मैं कह रही थी कि मेरे घर चलते हैं वहाँ बैठकर हम आराम से बात कर लेंगे चलो ओके तो चले तुम बस बैठो मैं अभी आई ठीक है तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ हाँ थैंक यू गर्मी क्यों है यार ना पंखा चल रहा है ना एसी वो सब मैं तुम्हें बताती हूँ ना तुम जूस तो पियो ना गर्म और फीका वो लाइट जो नहीं आ रही लाइट क्यों नहीं आ रही वो ना वो मैंने बिजली का बिल नहीं दिया था तो भावडा वाले मीटर उतार कर ले गए
लेकिन तुमने बिल क्यों नहीं दिया? अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं नहीं, अकेली नहीं रहती, मेरी ना एक दोस्त रहती है मेरे साथ, मैंडी, लेकिन वो अभी नहीं है तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। अच्छा सही, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम मुझे वो थोड़े से पैसे उधार दे दो। सही, मुझे पता चल गया था तुम्हें मुझसे क्या काम कर सकता है। अच्छा यार, अब तुम शर्मिंदा तो ना करो। नहीं नहीं, शर्मिंदा नहीं कर रही। गीदड़ की जब मौत आ जाए तो वो जंगल का ही रुख करता है, समझ तो तुम्हें नहीं आई होगी। गीदड़ और बिजली का आपस में क्या ताल्लुक है? तुम जैसे लोगों की नेचर का ताल्लुक होता है। बस करो यार, तुम तो भिगो भिगो के मार रही हो। छोड़ो ये सब, मुझे बताओ तुम्हें पैसे चाहिए? नहीं, तुम रहने दो, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। ये लो रख लो, मैं तुम्हें आगे बताती हूँ कि तुमने क्या करना है। क्या करना है? तुम बिजली चोरी क्यों नहीं करती? बिजली चोरी? लेकिन यार ये तो जुर्म है। हमारे मुल्क में कभी जुर्म को जुर्म समझा गया है क्या? लेकिन यार अब तो सोच बदल रही है। जब तक नहीं बदलती इस बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। बहती गंगा? कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। मिलवाओगी किससे? मीटर खान से। मीटर खान? कौन है आप? मैं वो हूँ जो सबकी जिंदगी बदल देता हूँ। अच्छा तो भी अपनी तो बदल ले। जी क्या कहा आपने? कुछ नहीं जी, वो मिस रिक्शा। मिस रिमशा? हाँ जी वही मिस रिमशा ने आपको मेरे बारे में बताया तो होगा ना? हाँ बताया था। तो आप हैं मीटर खान? मीटर खान जट। ये क्या कर रहे हैं आप? सॉरी जी, मुझे जब खाना जमना ना हो तो मुझे ऐसे ही होता है। अजीब बात है, मुझे तो लगा आपका आखिरी टाइम आ गया है। ओए अल्लाह ना करे जी, अभी तो मेरी तीसरी शादी होनी है। क्या तीसरी शादी? और बच्चे कितने हैं आपके? 25। 25? अल्लाह खैर, अभी तो कम है जी। देखिए तो पहले गर्मी से मेरी जान निकल रही है, आप जिस काम के लिए आए ना वो करें। अच्छा जी फिर दिखाएं। क्या दिखाऊं? वो क्या? अपना वो दिखाएं जिसको ठीक करना है। किसको ठीक करना है? मीटर को। क्या इंसान है ये, चले मेरे साथ। स्लो करूं या फास्ट? ओफो, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम डिजिटल मीटर स्लो या फास्ट कैसे कर सकते हैं। खाना खाना या अल्लाह, या तो इनका खाना हजम करवा देंगे फिर। वो हम पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने के मास्टर हैं जी। जुगाड़? अब ये जुगाड़ क्या चीज है? मम्मी रात की पासी रोटी जब सुबह तल के पका के देती है ना तो उसको जुगाड़ कहते हैं। ओ अच्छा, यानी अल्टरनेट। वही वही जो आप कह रही हैं, वही आप जो कह रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे ये बताएं कि जब मीटर ही नहीं चल रहा तो हम इसको स्लो या फास्ट कैसे करेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ। ले जी जलाएं लाइट। बत्ती आ गई। बहुत शुक्रिया आपका। और नहीं जी ये तो मेरा फर्ज था, आप बेफिक्र हो जाएं, अब आपको बिल भी चुनना सही आएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये बताएं कि फीस कितनी होगी आपकी? जो आप खुशी से दे दें। अच्छा लेकिन फिर भी बताएं तो सही। 10,000। हाँ 10,000? मतलब आपने मीटर स्लो किया, सोने का तो नहीं किया? वो स्लो मीटर सोने का ही होता है जी, चलें निकालें मेरे पैसे। देखिए पैसे तो नहीं है मेरे पास। जितने हैं उतने ही दे दें, बाकी बाद में कर लेंगे। मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। आप परेशान ना हो जी, जितने हैं उतने ही दे दें, इसी बहाने आपका दीदार ही होता रहेगा। ये क्या कह रहे हैं आप? चलें मैं चलता हूँ जी, कल आऊंगा। कल क्यों आएंगे? पैसे लेने जी। ठीक है ओके, गुड बाय, गुड नाइट।
झाड़ना ना तो इस कॉम का फरीदा बन चुका है। चलो खैर, लाइट तो आ गई। Sandy Mandy. हाँ हेलो मैंडी, कैसी हो तुम? अभी तक खत्म नहीं हुई तुम्हारी मुल्तान की औलिया कराम की ज़ियारतें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने बस तुम्हें ये कहना था कि मेरे लिए भी दुआ कर देना। अरे नहीं यार, दो नंबरी के कामों की नहीं, अच्छे और नेक कामों की। हाँ ओके, और घर पहुंच जाओ तुम जल्दी। तंस तो ना हमेशा इसकी जुबान पे ही रहता है। अरे रिमशा तुम यहाँ? हाँ यार, एक काम से आना पड़े। अरे वाह, मुबारक हो, लाइट आ गई। हाँ यार थैंक्स, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूँ। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार सकती हूँ? उतार सकती हो? वो कैसे? ये मेरी दोस्त है जोया। हेलो। हेलो, ये शुएब अख्तर की कजन या कोई सिस्टर है? नहीं तो क्यों? शक्ल मिल रही है काफी उनसे। तुम क्या कह रही थी? हाँ यार, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है और तुम मेरी मदद करके अपना एहसान उतार सकती हो। हाँ हाँ बोलो। तुम्हें जोया को कुछ दिन अपने पास रखना होगा। ठीक है, लेकिन खैरियत? वो दरअसल बदतमीजी करने पे इसने अपने बॉयफ्रेंड को चाकू से जख्मी कर दिया और इसको पुलिस से बचाती फिर रही हूँ। चाकू से जख्मी कर दिया, और वो भी एक आदमी को? ये तो कुछ भी नहीं, मैंने एक टाइम पे चार चार लड़कों के सर फाड़े हुए हैं। रिमशा, तुम्हें कोई और नहीं मिला था? देखो, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना तुम्हें पता है ना बिजली चोरी करने की सजा क्या है आजकल। हाँ जानती हूँ। तो बस फिर जब तक पुलिस वाला मामला ठंडा नहीं हो जाता, ये यही रहेगी। ओके लो मेरी जान, एंजॉय। मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी और मौका मिलते ही चक्कर भी लगा लूंगी। ओके बाय। बैठी। सब कुछ ही करना, धूप बनी हो या हो साया, जीने को तो सब है माया माया। अच्छा वैसे तुमने बताया नहीं कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को कैसे मारा था? कुत्ते का बच्चा, मेरे साथ लूडो खेलने से इनकार कर दिया था। बस फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पास पड़ा चाकू उसको मार दिया। अच्छा तो तुम्हें डर नहीं लगा? किस बात का डर, शेर ऐसे कुत्तों से नहीं डरते। तो तुम कब जा रही हो यहाँ से? पता नहीं, कुछ हो रहा है खाने को। इस खाने से तुम्हारा पेट ही भरेगा? नहीं। अच्छा तो फिर मैं फ्रिज में देखती हूँ कि शायद तुम्हारे खाने के लिए कुछ पड़ा हो।
मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत। सैंडी, ये तुम्हें क्या हो गया? सैंडी कुछ बताओ तो सही, तुम्हारे फेस में ये दाग कैसे हैं? ये दाग नहीं, ये नील के निशान है। नील? कपड़ों वाले नील के? अरे बुद्धू, कपड़ों वाली नील के नहीं, इंसानों को धोने वाले नील के। ओहो, जो बात असल है ना, मुझे वो बताओ। कितनी बार समझाती हूँ कि ऐसे लालच मत किया करो, लेकिन तुम हर बार ऐसा ही करती हो। और तो तुम्हारे जानने वाले भी ना सब तुमसे 10 हाथ आगे होते हैं। देखो ना यार, तुम्हारा फेस का क्या हाल हो गया है? पहले क्या कम पूरा मुंह था, जो और पूरा मुंह बन गया है। मैनी, शट अप, ये जली कटी ना बाद में सुनाना, पहले इस मसले का कोई हल निकालो। अब तो तुम टेंशन ही ना लो, मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। तुम ठीक कर लोगी? हाँ बिल्कुल, तुम क्या समझती हो, मैंने को भुगतना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है। क्या लक है, अब पता नहीं क्या खड़ाक होने वाली है। अच्छा तो ये है वो लड़की जिसने सैंडी को परेशान करके रखा हुआ है। अब मैं इसे बताऊंगी कि इसका पाला किससे पड़ा है। हाँ जी, क्या मसला है और ऐसे दरवाजा क्यों बजा रहे हैं आप? सोचा तो गुलाब जामुन का था, ये रसगुल्ला कहाँ से आ गया? अपनी बकवास ना बंद करो और ये बताओ कि तुम हो कौन? जी मेरा नाम मीटर खान जट है। अच्छा तो तुम हो वो मीटर खान? जी वो कौन जी, क्या मैं आपके ख्वाबों में आता हूँ? तुम वहाँ भी आओगे ना तो मारे जाओगे, जैसे तुम अब मारे जाओगे। क्या मतलब? मैं तुम जैसे फ्रॉडियों को ना अच्छी तरह जानती हूँ, तुम जैसे लोग मासूम लोगों को बेवकूफ बना के उनसे गलत काम करवाते हो। मैंने क्या किया है जी? तुमने हमारा चोरी बिजली का कनेक्शन किया और उसके बाद बोला कि मैंने मीटर स्लो कर दिया है, जबकि तुम इस डिजिटल मीटर को स्लो कैसे कर सकती हो? देखें जी, वो हमारा अपना काम है, वो हमें आता है। अच्छा तुम जानते भी हो कि तुम्हें इस काम की कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? एक तो पहले मुल्क में बिजली नहीं है, ऊपर से तुम जैसे लोग बिजली चोरी करके मुल्क और कौम दोनों को तंग कर रहे हो। अभी भी आपका लेक्चर नहीं चाहिए, उन्हें बुलाएं, मेरे पैसे दें। तुम्हें तो तुम्हारे पैसे ना पुलिस ही देगी, और वैसे भी मैंने कॉल कर दी है, अब वो पहुँचने वाली होगी। क्या? हाँ देख लूंगा तुम लोगों को और मैं जाके बताता हूँ रक्षा जी को। अरे रुको तो सही, ये तो बता दो कि वो रिक्शा कौन है। आया बड़ा हमसे पैसे लेने वाला, जानता नहीं अभी हमें, हम तो लोगों को चूना लगाते हैं, बड़ा आया हमें चूना लगाने वाला। शुक्र है एक मुसीबत तो गई, लेकिन अब इस दूसरी मुसीबत का कुछ करना होगा। अब आएगा मजा। जी ये रहा आपका जूस। वो दूसरी लड़की की तरह? जी वो आराम कर रही है। मेरे होते हुए वो आराम कैसे कर सकती है? जी मैं हूँ ना आपकी खिदमत के लिए। अब वो वैसे मुझे सैंडी बता रही थी कि आपको रेसलिंग का बड़ा शौक है। हाँ और मैं बड़ी होकर रेसलर बनूंगी। बड़ी होकर रेसलर बनूंगी, मतलब आपका अभी बड़ा होना बाकी है? हाँ अभी तो मैं छोटी हूँ। अच्छा तो अगर आपको रेसलिंग का इतना ही शौक है तो फिर होता है मुकाबला।
वाकई जी बिल्कुल